समय से कोरोना वायरस जैसी चल रही बीमारी के कारण लॉकडाउन जारी किया गया था। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, चाहे वे स्कूल हो या कॉलेजेस। कई कॉलेजों के एग्जाम की तिथि भी आगे बढ़ा दी गई थी, जिसको देखते हुए अब कई परीक्षाएं शुरू हो गई है। लेकिन चंडीगढ़ में जब जेईई और नीट की परीक्षाएं शुरू की गई तो चंडीगढ़ में इस बात को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। चंडीगढ़ में चंडीगढ़ कांग्रेस लीडर व कार्यकर्ता और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता कोरोना काल के दौरान केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कराई जा रही जेईई और नीट की परीक्षाओं के खिलाफ राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आदेश अनुसार कांग्रेस भवन सेक्टर 35 में जमकर प्रदर्शन हुआ। साथ ही मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, छात्र विरोधी नरेंद्र मोदी, छात्र विरोधी नरेंद्र मोदी। पोस्टपोन किया जाए इसको लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की तरफ से निर्देश था कि पूरे देश के अंदर एक आज प्रदर्शन किया जाए। और उसके बाद क्योंकि आज के जो दौर में कोरोना की महामारी फैल रही है, आज 33 लाख से ज़्यादा पेशेंट पूरे देश में हो चुके हैं। एक तरफ बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, दूसरी तरफ बाढ़ का जो जगह जगह आई हुई है। इसके अलावा आपको याद होगा जब USA के अंदर एक दिन के लिए सिर्फ स्कूल खोले थे, उस समय क्या हुआ था, 97,000 बच्चे जो है कोरोना पीड़ित हो गए थे। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये फैसला मोदी सरकार को करना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल संजीदगी के साथ, संवेदनशीलता नहीं थी उनमें, जो ये इतना बड़ा फैसला कर दिया कि लाखों बच्चे आज अभी रो रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं। कह रहे हैं कि फुल प्रूफ अरेंजमेंट होगा, जिस बच्चे को बुखार होगा अलग रूम में बिठाएंगे, जिस बच्चे को कहीं से चल के आना है वो कैसे चल के आएगा, उसको तो वैसे बुखार हो जाएगा अगर 50 किलोमीटर पैदल चलेगा, क्योंकि इस देश के लोग पहले भी देख चुके हैं कि 1,000-1,500 किलोमीटर लोग पैदल चल के किस तरह से कर्फ्यू के दौरान अपने अपने गांव में पहुंचे थे। तो हमारी ये मांग है, कांग्रेस पार्टी की ये मांग है, पूरे देश के अंदर जो है इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना चाहिए फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि अभी हमारे पास सफिशियंट टाइम है, पूरा समय है कि हम एक साल जो है पूरा कर सकते हैं, 2 सेमेस्टर के पीछे हम लोग दे सकते हैं। इसलिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी अगर थोड़ी देर के लिए फैसला टाल दिया जाता, कोरोना जो है उसको कंट्रोल किया जाता। इसलिए आज का ये प्रदर्शन हमारा चंडीगढ़ कांग्रेस की तरफ से था। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।